प्यारे बच्चों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, कोरोना की इस महामारी में अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रॉयल स्टेग शराब कैसे बनाई जाती है। शराब इतनी खतरनाक चीज़ है कि किसी किसी के लिए यह भोजन और यहाँ तक कि पानी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। शराब से घर की कलह, सुख शांति, चैन सब छीन जाता है। जिस आदमी को शराब की लत लग जाती है वह एक अपराधी भी बन जाता है। वह शराब पीने के लिए चोरी करता है, डकैती करता है, बाल बच्चों को पीटता है, अपनी पत्नी को पीटता है, कमाता धमाता नहीं है, जिससे वह निर्धन भी होते जाता है। और हमारी युवा पीढ़ी, ये भी हमारी युवा पीढ़ी शराब के नशे में धुत होते जा रही है और अपने जीवन काल को घटाते जा रही है। आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में लोग करीब करीब 100 साल से भी ज़्यादा लोग जीते थे, लेकिन आज के समय में लोग बहुत कम ही लोग ऐसे बचे हैं जो 100 साल जी रहे हैं। जैसे हमारे हाल ही में दिलीप कुमार साहब का निधन हुआ 98 साल की उम्र में, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब भी जितने भी जनरेशन आ रही है वो 60 साल, 70 साल, 80 साल तक वहाँ जी रही है, उसके बाद वो मर जा रही है किसी ना किसी बीमारी से, ठीक है। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है शराब, ठीक है। तो इसी में बात करने वाले हैं हमारे इंडिया के एक टॉप मोस्ट ब्रांड शराब की, रॉयल स्टेग के बारे में कि यह आखिर बनाई कैसी जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि रॉयल स्टेग शराब के बनने की प्रक्रिया। तो अब हम लोग समझते हैं कि रॉयल स्टेग शराब की कंपनी कब स्थापित की गई थी। तो 1995 में रॉयल स्टेग कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसी दिन इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब देखिए, हमारे इंडिया में रॉयल स्टेग की 4 जगह ब्रांच है, ठीक है। 4 स्टेट में इसके ब्रांच है जहाँ पर ये रॉयल स्टेग प्रोडक्ट बनाया जाता है। सबसे पहले दमन और दीव में, ठीक है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। दूसरा है कोलकाता में बनाया जाता है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि किस जगह का फोटो है, किस जगह का इमेज है? कमेंट में आंसर दीजिए लोग। ये है विक्टोरिया मेमोरियल, ये है विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। दूसरा ब्रांच ये है और तीसरा ब्रांच मुंबई में है, ठीक है। और ये तस्वीर कहाँ की है आप लोग कमेंट में बताइए। ये है हमारा ताज होटल। 26/11 की घटना जो 2008 में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे ताज होटल पर जो हमला किया था, उसकी एक झलक है। देखिए, यही ताज होटल है अपने इंडिया या यूं कहिए मुंबई का सबसे बेहतरीन होटल, ये ताज होटल है, ठीक है। यहाँ पर विदेशी अपने देश के सभी यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो ये है ताज होटल। चौथा जो ब्रांच है वो गुड़गांव में है, गुड़गांव, इसको अब गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। ये है हमारे हरियाणा स्टेट में, ठीक है। तो चौथी कंपनी है ये, जहाँ पर चौथी जगह जहाँ पर बनाया जाता है रॉयल स्टेग शराब, यहाँ वहाँ का एक खूबसूरत सा इमेज आपके सामने रखा गया है। वहाँ का एक बहुत भव्य मंदिर है, आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा और उसका नाम बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि रॉयल स्टेग शराब के लिए कच्चा माल क्या है, रॉ मटेरियल, किस किस चीज़ से शराब बनाया जाता है रॉयल स्टेग, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हाई क्वालिटी का मक्का, ठीक है, उसके बाद और हाई क्वालिटी का गेहूँ लिया जाता है, ठीक है, जिसको खेत से डायरेक्ट हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। दोनों ही प्रोडक्ट राई से, गेहूँ से, बाजरा से, मक्के से, ये सभी हाई क्वालिटी के अनाज से हार्वेस्ट करके और इनको डायरेक्ट कंपनी में पहुंचाया जाता है और इसी से शराब बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है माल्टिंग का, ठीक है। माल्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जो स्टेराइल वाटर होता है, स्टेराइल वाटर में हम लोग 12 घंटे के लिए गेहूँ को डालते हैं। ये स्टेराइल वाटर है, आप लोग इसको देखे होंगे कि मेडिकल का दुकान पर इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसमें से जो सिरिंज से खींचा जाता है जो वाटर, वो फुली प्योर होता है, डॉक्टर लोग उसका यूज करते हैं, उसमें कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स नहीं होते हैं। तो यही स्टेराइल वाटर होता है, ठीक है।
ये बहुत ही बड़े स्पेस में रखा जाता है इसको, और उसी में गेहूं को या फिर जो भी प्रोडक्ट आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जिस तरह का फ्लेवर चाहिए उसके अनुसार उसको उसमें डाल दिया जाता है। करीब 12 घंटे के बाद उसको फिर चेक किया जाता है और नए पानी में रख दिया जाता है, ठीक है, उसको निकाल कर चेक किया जाता है और उसको 14 घंटे के लिए फिर एक नए पानी में रख दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद इसको गेहूँ को जो भींग गया 14 घंटे बाद, उसको लाकर धूप में एक बंद कमरे में सुखाया जाता है, ठीक है, जिससे इसकी हल्की हल्की बदबू कम हो, ठीक है। तो इस में देख रहे हैं आप कि बहुत ज़्यादा स्पेस में इसको सुखाया जा रहा है, ठीक है, 14 घंटे के प्रोसेस के बाद, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो गेहूँ है उसको हमने एक कंटेनर में रूम में बंद कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोयले का जो भाप होता है, धुआं होता है, उसको जलाकर और उस गेहूँ के सामने छोड़ते हैं कि गेहूँ उसको एब्जॉर्ब कर ले, धुएं को एब्जॉर्ब कर ले और उसमें एक स्मूथी फ्लेवर आ जाए, ठीक है। आप लोग देखे होंगे वाइन जो विस्की बदबू देता है तो उसमें एक ऐसा ही फ्लेवर महकता है, लगता है कि धुआं जैसा फ्लेवर है, ठीक है। तो यही होता है कि हम लोग कोयले को जलाते हैं और गेहूँ उसका भाप है जो धुआं होता है उसको गेहूँ के सामने लाकर रख देते हैं, जिससे वो धुएं को एब्जॉर्ब करते जाता है, ठीक है, और उससे एक नया स्मूथ फ्लेवर बनता है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो रूम में आपने पैक कर दिया है उसके बाद हम लोग उसको एक सैंपल के लिए निकालते हैं और जांच करते हैं कि क्या ये इसका क्वालिटी सही हो चुका है, इसमें एक फ्लेवर आ चुका है। तो सैंपल के लिए हम लोग उसमें से थोड़ा सा निकालते हैं और देखिए यहाँ पर चेक किया जा रहा है गेहूँ का क्वालिटी उस क्या हो चुका है, ठीक है, उसको चेक कर लिया जाता है मशीन के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद देखा जाता है अगर सैंपल पास हो जाता है तो सैंपल पास होने के बाद उसको ग्राइंडिंग के लिए भेज दिया जाता है पीसने के लिए, ठीक है। उस गेहूँ को सुखाया गया है उसको पीसने के लिए भेज दिया जाता है ग्राइंडर मशीन में। अब हम लोग पीसे हुए गेहूँ को क्या करते हैं कि कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है, और उसमें ईस्ट का पानी मिला देते हैं ताकि वो फर्मेंटेट हो सके, ठीक है। आप लोग देखे होंगे जो जलेबी बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं, ईस्ट जो खमीर का पाउडर आता है उसको मिला देते हैं ताकि वो जलेबी जो मैदा है वो सड़े, जिससे बढ़िया से बढ़िया जलेबी बने, ठीक है, वो नरम हो, ठीक है। पुआ भी बनाता है लोग, खास्ता बनाते हैं तो उसमें ईस्ट के पाउडर का यूज किया जाता है। तो उसी तरह जो गेहूँ है जो पीसा जा चुका है जो ग्राइंडिंग मशीन में, उसमें हम लोग ईस्ट का पानी मिलाते हैं और उसके बाद उसको बंद कर देते हैं कंटेनर में। करीब 6 दिन के बाद हम लोग उसको निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये पूरी तरह फर्मेंटेट हो चुका है। और चेक करने के बाद देखिए ऐसा ही उसका इमेज दिखता है, जो फर्मेंटेट हो जाता है तो इसी तरह पूरा नरम हो जाता है, लिक्विड, बहुत ही एक लिक्विड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह होता है, ये फर्मेंटेटेड है, जो फर्मेंटेट होने के बाद का ये वीट है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो इस रॉयल स्टैग शराब है ये एक स्कॉच विस्की है, ये एक स्कॉच विस्की, ठीक है। स्कॉच विस्की का मतलब होता है कि जो आप लोग शराब जो देखते हैं कि डायरेक्ट जैसे बंटी बबली है या फ्रूटी है, ये अपने यूपी बिहार में ज़्यादा फेमस है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं जो बनता है कंपनी से तुरंत आ जाता है दुकान में और हम लोग लेकर शराबी सब पी जाते हैं। लेकिन ये स्कॉच विस्की ऐसी होती है जिसको कंपनी में बनाने के बाद 3 साल तक स्टोर करके रखा जाता है कंटेनर में, ठीक है, 3 साल तक कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको दुकान पर आता है तब हम लोग उसको यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हम लोग लोकल शराब पीते हैं उसको तुरंत कंपनी में बनाया गया और हमारे यहाँ सप्लाई हो जाता है, हम लोग उठाकर उसको पीने लगते हैं। देखिए बंटी बबली का फोटो, ठीक है, बंटी बबली फ्रूटी ये सब फेमस है अपने यूपी बिहार के लोगों में, लोग पीकर और रात भर तमाशा करता है, ठीक है। तो अब देखिए, हमारे अमिताभ बच्चन जी सदी के महानायक का भी एक तस्वीर है, ठीक है, क्या आप लोग बता सकते हैं किस फिल्म का तस्वीर लिया गया है, कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इतनी इस प्रोसेस से बनता है हमारा रॉयल स्टैग शराब, ठीक है। तो देखिए इससे हानि क्या है शराब पीने से, ठीक है, बहुत लोग बहुत शराब पीता है, आपको बताया है कि इससे क्या होता है, घर में कलह का माहौल हरदम बना रहता है, मार पीट झगड़ा
हर दम इस तरह का माहौल बना रहता है, कभी उस घर में सुख चैन शांति कभी नहीं आता है, ठीक है। और महज उसके बाद शराब की लत उसको गंभीर लग जाती है, धीरे धीरे उसे कई तरह की बीमारियाँ होंगी, उसका इम्यूनिटी ख़त्म होते जाएगा, शरीर खोखला होते जाएगा, ठीक है। उसका लीवर, जो लीवर होता है वो डैमेज होने लगता है, ठीक है। खाना उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना भी नहीं खाने का मन करेगा उसको, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, लोगों की बात नहीं मानेगा, छींकता रहेगा, ठीक है। और सबसे अलग हो जाएगा, जो शराब पीता है उसको समाज गलत नज़र से देखता है, उसको समाज से अलग ही समझा जाता है, शराबी को समाज से अलग समझा जाता है कि वह इस समाज का नहीं है, ठीक है। किसी भी पार्टी फंक्शन में आप जाइए, बड़े बड़े त्यौहार पर्व में आप देखिए, पार्टी फंक्शन में बिना शराब के कोई पार्टी समझी जाती है कि ये अधूरी पार्टी है। सबसे लोग लाते हैं शराब को और लोगों को पिलाने लगते हैं, ठीक है, तो लगता है कि पार्टी अब सक्सेस हो गया है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, ठीक है। तो आप और हम युवा लोग हैं, तो हम लोगों को समझना होगा कि आखिर ये कितना खतरनाक है, तो हम लोग को इसको अवॉइड करना होगा, ठीक है। तो इससे लीवर डैमेज होता है, इम्यूनिटी कम होते जाती है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि शराब को अवॉइड कीजिए, शराब को मत पीजिए, क्योंकि इससे हमारी एक बहुत बड़ी जनसंख्या रोजगार से विहीन हो रही है, निर्धन होते जा रही है, धीरे धीरे शराब के गर्त में समा जा रही है, हमारा समाज खोखला होते जा रहा है, हमारे युवा लोग काम करने के बजाय शराब के गंदे नशे में डूब रहे हैं। हमारे इसी का कारण है कि सैनिक में भर्ती के लिए दिखने में सक्षम होते हुए भी, फिट दिखते हुए भी, उनके जब टेस्ट होते हैं तो वे छंट जाते हैं, क्योंकि वे इंटरनली वो ठीक नहीं है, वे इंटरनली फिट नहीं है। यही कारण है कि शराब, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, इतनी खतरनाक चीज़ों का लत उनको लग जाता है, जिससे वे खोखले होते जाते हैं और समाज को भी खोखला करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अपना एक स्लोगन देते हुए और वीडियो को एंड करेंगे कि पहले आदमी शराब को लेता है, फिर शराब आदमी को लेता है। तो यही हमारा स्लोगन है कि जब शराब आदमी पिएगा तो उसके लिए सब दुनिया में सबसे मस्त समाज समान वही होगा कि शराब पी ले, शराब पी ले। धीरे धीरे वो शराब पीता जाएगा और लास्ट में आएगा ऐसा टाइम कि शराब उसको पी जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का संडे डोज समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।